हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबी टाइम्स। इनकी वीडियो और हेयर केयर टिप्स पाकपो अदल पाती रफ्फा हेर एपी नम्बर साफ्टा मतदेद अच्छे रफ्फा हेर वो साफ्टा कंपा मुझे प्रासस्ता आना कंपा वो मुझे नया पे पड़वा हेर् मट तनिया ट्रीटमेंट पड़वा सर हेर वो साफ्टा आगण अब बट कंपा वर्कअटा नहीं सब विषय पड़नों फर्स्ट ना हेल्त वो सापड़ों आक्चुअल हेर कास्ट सुनाव अबाको हेर वो एट पड़ी वे पाती हेर वो रोम ना साफ्टा लांग हेर कीडियम हेर ना वो साफ्टा सो ये वीटल एंका वो हेर स्टैल ट्रे पड़नों अब हेर ट्रे पड़वा ऐसा हेर स्टैल पड़े हेर वो साफ्टा वो ना हेर स्टैल वो वो सोल सोमी सम स्कूल के वो यदा अर्जेंटा अंकी वीटल या सो नमु तला से यदा बोनेटल पेल अब पाता बोनेटल पटोना रबर बटे वो अड़को अंदर ना अड़िया बट मीडियम हेर बट वो सो अदको हेर पाती कुछ डेमेज आग आरमचद टेन्त पड़ी मोदे पाती हेर वो रोम डेमेज आदावे रफ्फान हेर वो इलावे अंदर हेर वो रफ्फाई कारण पाती ना वो अनीमिया नरे वो अरसि सापड़े चिन्ह वयसो ना अनीमें हीमोग्लोबिन लेवल वो 3.5 रोम रोम कमी बट अल सोलदा इन हेर वो रोम साफ्टा हेर वो रोमे वो रफ्फा मारी विवरम सो वीटल वो यारूल सो स्कूल पड़े वो टाइम वो अरसि सापाल मोदे पसिम कड़िया सापड़े हेर कार्ड अंदम पड़े सो इन हेर वो रोम रफ्फा अत कालेज हेर अब अब इन फ्रेंड्सा वह सुनना नहीं वो पार्लर पेलु पार्लर पेटन पड़ी को हेर वो साफ्टा अब सर ना वो अब नैचे ना नैचे अब हीरोन मुड़ी मादी आंपूल पड़े वह पार अंद हेर पाते रोम साफ्ट कमपा सो अंदमि आनवोड़ ना पोने 2007 सो अब पाती 1000 रुपीस केटा इत वो टेम्पररी 6 months वन पड़नों अब सो एलेंसा सो ना तलियाटे ओके पड़े वे कड़सा पाती रोम रोम इन वो ड्रई आई करक्टा पड़लिया तरल सो हेर वो रोम ड्रई आई अदा इत वो ना पड़ पर मिस्टेक अब अदरजी अद ना यारेसालेसाटो इला दिडी यार लेडी पाक अवकूट वो एद हेर केयर टिप्स हेर साफ्टा अब क्या सर्च पड़े सो मुड़क नया बुक ना वांगल पड़े ना कूड़े इन विषय अब नम्बर हेर को मट तनिया ट्रीटमेंट पड़ों अब ये वर्कअटा सो नम्बर हेल्त वह सापड़ों नम उड़ेपाटो नम्बर मुड़ी नमक वो सो ना वो वीका मुड़ी वो वीकाच नम्बर वो ना आरोक्यम सापेटे वो अब नम्बर हेर पाती ना आरोक्यो विषयते वह ना अभीकटे इन एक्सापलसा ईसिया प्रेग्नटा पों पाती मुड़ी वो ना नीटा वलो समय सो अदारण नम्बर वो कंसिवाद ना कुछ नम्बर ना ना फुट ना हेल्तिया फुट वो एपो नमुक मुड़ी वो नीलवा ना साफ्टा इे वो आफ्टर डेलीवरी पाती नम्बर मुड़ी कोट आरमी सेना वो नम्बर डेलीवरी अब ना वो ब्लड लास्कूड नम्बर कुंदी वह फीट पड़ा नमो सतना पाती कुंद सो नमुक मुड़ी कोट आरमी नम्बर हेल्ती हेर वो हेल्त ना पड़ आरमचे ना फर्स्ट वो ना हेल्त हीमोग्लोबिन लेवल वो ना इनक्री पड़ आरमचे हेर को वो ना चिना चिना टिप्स वो फालो पड़े फर्स्ट पड़ेना तेंगा पाल कोकोनट मिल्क पाती वो ना मसाज पड़ आरमचे सो रोम सूपर वह रिजल्ट कोकोनट मिल्क पड़ो अब कोकोनट मिल्क अम्म हेर अप्ले पड़े सो अद टवल अवले वो सुड़ी वो नड़ी पिंजे सो वो तेपाल अल्ले पड़को तल नम्बर नार्मला तला कुछ वह
டவல் வந்து தலையில் கட்டிப்போமோ ஸோ அதை மாதிரி கட்டிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் இருப்போம். ஏன் நம்ம வந்து டவலை ஹாட் வாட்டரில் நினச்சி கட்டுறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ அந்த துண்டு வந்து கொஞ்சம் சூடாக இருக்கும்போது நம்ம தேங்காய் பாலில் என்ன ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளோட முடியோட வேரில் வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ முடியோட அந்த போஷாக் வந்து அதிகரிக்கும், முடி வந்து ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும், ரொம்பவே நீளமாக வளர ஆரம்பிக்கும். அதனால் அந்த ஹாட் டவல் வந்து யூஸ் பண்ணுறது. இன்றைக்கி என்னென்ன டிப்ஸ் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணாலும் அந்த தேங்காய் பால் மசாஜை வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் கண்டிப்பாக பண்ணுவோம், ஏன்னா அதில் அவ்வளோ சூப்பரான ரிசல்ட் வந்து கொடுக்குது. ஸோ அடுத்து நான் இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணேன், என்னென்னாக்கா ஆயில் மசாஜ். ஸோ ஆயில் மசாஜ் வந்து நம்மளோட முடிக்கு வந்து ரொம்பவே நல்லது. ஸோ நான் எப்படி அப்ளை பண்ணுவேனாக்கா, ரெண்டு ஆயில் ஏதாவது எடுத்துப்பேன். ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் ப்ளஸ் நல்லெண்ணெய் அந்த மாதிரி, இல்லை சம்டைம்ஸ் வந்து ஆலிவ் ஆயில் ப்ளஸ் பாதாம் ஆயில் இது வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ எண்ணெய் வந்து நான் அப்படியே வந்து அப்ளை பண்ண மாட்டேன். நான் என்ன பண்ணுவேனாக்கா, ஒரு குட்டி பவுல் வந்து எண்ணெய் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து லைட்டாக ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா தான் அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம ஹீட் பண்ணி அப்ளை பண்ணாதான் ஸோ அந்த எண்ணெய் வந்து நம்மளோட அந்த ஹேர் அந்த முடியோட வேரில் வந்து இறங்கும். ஸோ அப்போ தான் நமக்கு அது ரிசல்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த ரெண்டு டிப்ஸ் தான் வந்து நான் முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுறது. ஆனால் நான் நிறையா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். என்னென்னாக்கா, செம்பருத்தி பூ செம்பருத்தி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து அரைச்சி தலையில் தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன். ஸோ அலோவேரா யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், கருவேப்பிலை தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன், வேப்பிலை தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன், வாழைப்பழம் ஸோ அரைச்சி அதை தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொய்யா இலை அரைச்சி அதை தேய்ச்சி குளிச்சிருக்கேன். நான் இது அதாவது நான் ட்ரை பண்ணாத விஷயமே கிடையாதுன்னு சொல்லலாம், பட் எல்லாமே வந்து நான் ஹோம் ரெமடிஸ் தான் ட்ரை பண்ணேன். கெமிக்கல் ஐட்டம் நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணலை. ஸோ எனக்கு வந்து சூப்பரான ரிசல்ட் வந்து கிடச்சிது. என்னோடய ஹேர் வந்து பழைய மாதிரியே மாறிடுச்சு, ப்ளஸ் லாங்காகவும் எனக்கு வந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் வந்து ஹேர் கேர்க்கு ஏதாவது டிப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து உள்ளே வந்து ஆரோக்கியமாக எடுத்துக்கோங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து சாப்பிடுங்க. கூடவே வந்து உங்களோட ஹேருக்கு நீங்கள் என்னென்ன உங்களோட பாடியை பொறுத்து உங்கள் ஹீட் பாடியாக கூலிங் பாடின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிப்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக வந்து உங்களோட ஹேர் வந்து ஸோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும், நல்லா நீளமாகவும் வளர செய்யும், கூடவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷைனிங்காகவும் இருக்கும். இந்த டிப்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய எல்லா வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.